छोटू चौधरी साहब का स्पेशल सा फ्रेशर कर दे, बहुत बड़े आदमी है, समझ रहा है? अरे तू कर आगे, इसके हाथों में वो मजा नहीं है। आ रहा हूँ चौधरी साहब, मैं जरा कुछ जरूरी काम कर रहा था, बस दो मिनट रुको। चौधरी साहब, हाँ, चाय मंगवा लूँ? हाँ हाँ भाई मंगा ले। जा भाई जा, दो कप चाय लेकर। भाई जान, अरे ये रखिए यहाँ पर, ले ले। चौधरी साहब, हाँ जी, कुछ खास बात है क्या जो फ्रेशर करा रहे हो? अरे बच्चों की छुट्टियाँ बढ़ गई है ना, उनको नानी के यहाँ छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो पता ही है बी बच्चे कितने जिद्दी होते हैं। हाँ हाँ, छुट्टियाँ बढ़ते ही जाते हैं, चलो हमें छोड़ के आओ। अरे चौधरी साहब, मैं ठहरा सिंगल, मुझे कहाँ से पता होगा। भाई साहब ये तो अखबार है। अरे ये देसी टिश्यू पेपर है। चौधरी साहब रंग तो निखर कर आ रहा है। भाई साहब क्रीम भी लगा लो। लगा ले लगा ले। ओ तेरी, ये तो सोने की चैन है। फोकट में क्रीम लगाने आ जाते हैं। अरे तो इसकी शेविंग कर देना। अरे हाँ चौधरी साहब, ये तो बात सही कह रहे हो आप। भैया अरे आपकी शेविंग बढ़ गई है, लगे हाथ अपनी शेविंग भी करा लो। चलो बना दो। लड़का अभी चाय लेने गया है, आता है तो मैं शेविंग कराता हूँ, इतने आप वहां बैठो, ठीक है? ये तो आइडिया सही दिया चौधरी साहब, 50 रुपए आ जाएंगे। चौधरी साहब चाय भी आ गई है और आपका फ्रेशर भी हो गया है। छोटू चाय मार दे। अरे हाँ छोटू, भैया की शेविंग बना दे, ठीक है जल्दी से। माशाल्लाह क्या गोरा चिट्टा फेस निकला है चौधरी साहब, बहुत अच्छा फ्रेशर हुआ है। क्लीन से पढ़ लो आपकी। अरे भाई थोड़ी थोड़ी करते माशाल्लाह, चश्मे बदूर, बहुत अच्छा नूर आया है चौधरी साहब। लाओ मैं आपके बटन लगा देता हूँ। अरे बटन देने दे, चाय पीने दे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अरे मेरे सोने की चेन कहाँ गई? कौन सी चौधरी साहब, कौन सी सोने की चेन? अरे वही जो मैं पहन के आया था। चौधरी साहब आप कोई सी चेन नहीं पहन के आए यहाँ पर। अरे मैं चेन पहन के आया था, सोने की चेन पहन के आया था। चौधरी साहब आप घर भूल गए होंगे। अरे नहीं मैं चेन पहन के आया था, कहाँ गई? चौधरी साहब मैंने तो कोई सी चेन देखी नहीं आपके पास। अच्छा ये चैन चौधरी की है, जरूर इस नाई ने तो कही होगी। अरे चौधरी साहब आपको गलत फहमी हुई है, आज आप कोई भी चैन नहीं पहन कर आए यहाँ पर। मैं चैन पहन कर आया था, ये चैन किसकी है, किसकी पहन रखी है तूने? ये चैन तो मेरी है चौधरी साहब, आप डिजाइन भी चेक कर सकते हैं। अरे मुझे नहीं पता, मुझे मेरी चैन चाहिए बस। अरे चौधरी साहब आप चैन यहाँ पर नहीं पहन कर आए। अरे मुझे नहीं पता मेरी चैन एक गुम हुई है, ढूंढ के दो। चौधरी साहब आज आप कोई चैन नहीं पहन कर आए, मेरा यकीन करें चौधरी साहब। चौधरी साहब अगर मैं बताऊं तुम्हारी चैन कहाँ है तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? क्या मतलब, तुम्हें पता है मेरी चैन किसके पास है? चौधरी साहब मुझे अच्छे तरह से पता है चैन तुम्हारी किसके पास है। लगता है इस कमीने को पता चल गया है कि मैंने क्रीम की डब्बी में चैन छुपाई थी। इधर आए भाई साहब, इधर सुने, ये चल क्या रहा है? भाई साहब आपको पता है चैन कहाँ पर है? जी जी बहुत अच्छे से पता है मुझे, तुमने चैन चुरा के क्रीम वाले डब्बे में दुखाई थी ना, ये चोर है। भाई साहब मैंने ये सब मजबूरी में किया है। कैसी मजबूरी? भाई साहब ये इंसान जब भी आता है मेरे साथ ज्यादती करता है, ये इंसान जब भी आता है मुझे परेशान करता है, अपनी कटिंग कराता है, शेविंग कराता है, अपना मुंह धुलवाता है, फ्रेशर कराता है, और जब पैसे देने का टाइम आता है तो 20 रुपया पकड़ा देता है। जब मैं ज्यादा पैसों की डिमांड करता हूँ तो ये मुझे चौधरी होने का रौब दिखाता है, कहता है कि मैं तेरी दुकान बंद करा दूंगा। अब मैं इस महंगाई के जमाने में क्या करूं, ऐसे तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। चल मैं इसे सीधा करता हूं। चौधरी साहब ये सच है, आप पूरा काम करा के 20 रुपए देते हैं? हाँ हाँ तो 20 रुपए ही बहुत होते हैं। ना ना चौधरी साहब, इतनी महंगाई में 20 रुपए से क्या होता है? अगर तुम गरीब का हक मारोगे तो आपका ही नुकसान होगा। ओ हाँ हाँ भाई, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगा, इसकी मजबूरी पूरी दूंगा, तुम इसे है ना मेरी चैन दिला दो, बड़ी मेहरबानी आपकी। आइंदा आप इसकी मजदूरी पूरी दिया करना, ये लो आपकी चैन। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, मिल गई मेरी चैन। कितने पैसे हुए आपके? 200 रुपए। मैं 200 रुपए देता हूँ आपको।
ये लो अपने 200 रुपए।